नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को कैसियो वॉच का यानी कि आप लोग कैसियो वॉच का टाइम भी नहीं मिला पाते हैं, इसका अलार्म नहीं सेट कर पाते हैं और इसका डे डेट नहीं सेट कर पाते हैं, यानी कि टाइम अलार्म कुछ भी आप सेट नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कैसे इसका टाइम मिलाना है, डेट मिलाना है और कैसे इसका जो है कि 12 बजे के बाद जो है कि 1 बजना चाहिए, नहीं तो इसमें 12 बजे के बाद जो है कि 13, 14, 15 हो जाता है, यानी कि रेलवे टाइम हो जाता है। तो कैसे उस रेलवे टाइम को हटाना है, कैसे रेलवे टाइम लगाना है, इसका अलार्म कैसे सेट करना है और इसका तारीख कैसे सेट करना है। तो दोस्तों पूरा कंप्लीट अगर जो आप चाहते हैं समझना आपको कि आप भी अपने हाथों से इसका टाइम डेट सेट कर सके कोई भी कैसियो वॉच का, तो आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और हमारे चैनल में नए हैं अगर जो आप अभी तक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को हमारे लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। और कैसे टाइम मिलाना है मैं आपको यही बताने जा रहा हूं, हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फटाफट टाइम सेट करने के लिए आप तैयार हो जाइए। आप देखिए इस वॉच में जो है कि 6:38 हो रहे हैं। आपको देखना है इसमें 3 बटन होते हैं, एक आगे बटन होते हैं, 2 पीछे बटन होते हैं। ये तो आपका लाइट वाला बटन है, ये लाइट जो है कि इससे जलता है, लेकिन इससे भी आपको टाइम डेट मिलाना है। तो भाई कैसे मिलाना है आपको मैं करेक्ट इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको पहले एक बार ए बटन को दबाना है और आ गया आपका अलार्म सेटिंग। तो आपको अलार्म कैसे सेट करना है, आप देख रहे हैं इसमें 11:30 पर अलार्म लगा है, तो एक बार इसे दबाना है और वाइब्रेट करने लगेगा जो है कि घंटा अलार्म का, तो आपको इसे दबाते जाना है। यानी कि आपको 5 बजे सुबह करना है, तो 5 बजे सुबह अलार्म कर लेंगे, 5:30 पर है तो एक बार इसे दाबेंगे और वाइब्रेट करने लगेगा मिनट। तो भाई मिनट आप जो है कि 5:40 करना चाहते हैं तो 5:40 पर अलार्म कर देंगे, और आप चाहते हैं करेक्ट 5 बजे करना तो यहाँ से दाबते जाएंगे 00 ला देंगे, फटाफट दाबते जाएंगे, आप देखेंगे करेक्ट जो है कि 5 बजे अलार्म सुबह हो जाएगा। और उसके बाद से आपको मैंने अलार्म मिलाने के लिए सिखा दिया, और यहाँ पर देखते हैं अलार्म जो है जो ऊपर वाला बिंदी है वो बिंदी चाहिए, और आपको नहीं बिंदी आता तो ऐसे दबाना है और ऐसे दबाएंगे तो आप देखते हैं बिंदी खत्म हो गया, फिर से दबाएंगे तो आपका यहाँ से 2 बार दबाएंगे, 3 बार दबाएंगे, यहाँ से बिंदी आ गया तो आपका तब अलार्म बजेगा। और आपका टाइम कैसे मिलाना है, आपको ऐसे जो है कि 1 बार दबाना है, 2 बार दबाना है, 3 बार दबाना है, उसके बाद वाइब्रेट करने लगा या सेकेंड, तो 6:39 हो रहा है, 1 बार दाबेंगे घंटा वाइब्रेट करने लगा, हमें 10 बजे आना है तो यहाँ से दाबते जाएंगे हम 10 बजा देंगे, 10:00 जितना मिनट करना है यह बटन दबाएंगे, और 10:50 करना है तो 10:00 यहाँ से हम दाबते जाएंगे और यहाँ से 10:50 कर लेंगे। हमें जो है कि 10:50 कर लिया, अब मिलाना है हमें तारीख, तो एक बार इस बटन को और दबाएंगे ऊपर वाले इस रिसेट वाले बटन को, और महीना हो रहा है 5 तो हमें महीना यहाँ से चेंज करना है, ए वाली बटन को दबाते जाएंगे, देखिए जो ए दबा रहा हूँ ये दबाते जाएंगे और महीना यहाँ से हमें जो है कि 2 करना है तो 2 कर लेंगे। फिर से एक बार रिसेट वाले बटन को दबाएंगे, तारीख 20 बता रहा है हमें, 30 तारीख या 28, 25 जो भी करना है, यहाँ से मान लीजिए 25 तारीख कर लेते हैं, आपके घड़ी में जो हो रहा है कर सकते हैं। यहाँ से बता रहा है फ्राइडे दिन, तो यहाँ से एक बार दाब देंगे, और यहाँ से हम संडे करना है तो संडे कर लेंगे, तो एक बार ये दबा देंगे, आप देखेंगे 10:00 जो है कि 50 मिनट हो रहा है, संडे बता रहा है, 25 तारीख बता रहा है, और यह दाबेंगे तो आपका लाइट दिखाने लगेगा। ऐसे करके टाइम डेट अलार्म सेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।